यदि आप भी स्टॉक मार्केट निवेशक हैं तो आपको भी एसबीआई कार्ड आईपीओ का बेसब्री से इंतज़ार होगा और आज के इस वीडियो में हम इसी बेचैनी को थोड़ा सा कम करने वाले हैं, चूँकि बहुत सारी डिटेल्स जो एसबीआई कार्ड की आईपीओ के बारे में है वो आप सबके साथ मैं साझा करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। और ये बड़ा अचीवमेंट होगा, बड़ी उपलब्धि होगी जो लोग कम समय में अपने पैसे को दोगुना करना चाहते हैं। जी हाँ, आप समझ पा रहे हैं, यदि आईपीओ आप इसमें लेने में सफल होते हैं तो एक वीक में ही अपने पैसा डबल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ की पूरी अलॉटमेंट कैसे मिलेगी, 100% सॉलिड ट्रिक के साथ भी बताऊंगा, और आईपीओ की पूरी रिव्यू, डेट्स, अलॉटमेंट साइज, पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं एसबीआई कार्ड आखिर है क्या। तो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड जो है वो सब्सिडियरी कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है डिपॉजिट के मामले में, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली देश की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। इकलौता इसका पूरे क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर 18% कवर करती है। एसबीआई कार्ड के प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें तो एसबीआई कार्ड ऑफर करती है बहुत ही बड़े रेंज में क्रेडिट कार्ड जो कि इंडिविजुअल और कॉरपोरेट क्लाइंट के लिए होते हैं, रिगार्डिंग लाइफस्टाइल, रिवार्ड्स, शॉपिंग, ट्रेवल, फ्यूल, बैंकिंग पार्टनरशिप कार्ड और कॉरपोरेट कार्ड के रूप में। एसबीआई कार्ड जो है वो बड़े दिग्गज कंपनियों के साथ में इसका पार्टनरशिप है, जैसे कि एयर इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल, आइथलैब, एफबीबी, आईआरसीटीसी, ओला मनी एंड यात्रा एमोंग्स अदर, ये नामी कुछ कंपनियां थी जिनके साथ इसके पार्टनरशिप हैं। चूँकि एसबीआई कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडियरी कंपनी है, जिसके कारण एसबीआई कार्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ब्रांचेज हैं वहाँ तक अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को फैलाने में काफ़ी मदद मिलती है। चूँकि इतने बड़े कस्टमर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो सारे कस्टमर एसबीआई कार्ड को मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, और लगभग 436 मिलियन कस्टमर का सपोर्ट इन्हें इजीली मिल जाता है। एसबीआई कार्ड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे यदि एक नज़र डालें तो आप देख पा रहे हैं डेटा जो है 31 मार्च 2017 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक का अवेलेबल है, और इसमें ये लगातार ग्रो किया हुआ है, चाहे वो फिर टोटल एसेट के मामले में हो, टोटल रिवेन्यू के मामले में हो, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मामले में, हर जगह ये ग्रो किया हुआ है और बहुत ही शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। फिजिकल ईयर 2017 से 2019 के बीच में यदि कंपनी की टोटल इनकम की देखें तो इंक्रीज किया है सीएजीआर से लगभग 45%, और ऑपरेशनल रिवेन्यू इंक्रीज किया है सीएजीआर से 45%, और यदि नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो सीएजीआर से 52% इंक्रीज किया है इस सेम पीरियड में। अब इस लेवल पर यदि हम एसबीआई कार्ड की वैल्यूएशन की बात करें तो चूंकि एसबीआई कार्ड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली दूसरी इंडिया की कंपनी है जो अपने ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रैक रिकॉर्ड पे बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों चैनलों पे ये अपने कस्टमर तक मजबूत पकड़ बनाए हुई हैं और इसमें मार्केट लीडर भी है। एसबीआई कार्ड की यदि सबसे बड़ी उपलब्धि की हम बात करें तो वो है इसका ब्रांड नेम जो इसे काफ़ी फेमस बनाए हुए, काफ़ी पॉपुलर बनाए हुए हैं, और लगभग हर कोई इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है, समझता है और विश्वास करता है। और यदि इसके पार्टनरशिप की बात करें तो
मार्केट के जितने भी लीडिंग ब्रांड हैं पूरी इंडस्ट्री से, उन सभी के साथ में लगभग इसका पार्टनरशिप है जो इसे काफ़ी आकर्षक बनाता है। अब चलिए SBI कार्ड्स IPO के डिटेल्स पे एक नज़र डालते हैं। और मीडिया में आई खबरों के अनुसार से यदि हम बात करें IPO ओपन टाइम का, तो 2 मार्च 2020 है। IPO क्लोज का जो टाइम है वो 5 मार्च 2020 है, जबकि IPO का जो साइज है वो अप्रोक्स 9000 करोड़ हो सकता है। ऑफर प्राइस 745 से लेकर 775 रुपये, और फेस वैल्यू की हम बात करें तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है। अब SBI कार्ड की IPO रिव्यू और रेटिंग पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेंटीमेंट्स में इसके जो रेटिंग है वो 10 में 8.9 है, जबकि इंडस्ट्री रैंकिंग में 10 में 8.2 है। कंपनी बैकग्राउंड की लिहाज से देखें तो 10 में 8.3 है, जबकि कंपनी रिपुटेशन के बात करें तो 10 में 8.2 का है, जबकि कंपटेटिव एज के हिसाब से देखें तो 10 में 8.2 का है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिहाज से 10 में 7.8 का है। पॉपुलैरिटी के मामले में 10 में 7.9 का है, और प्रमोटर रिपुटेशन के मामले में 10 में 8.2 का है। रिटेल अपेटिज के मामले में 10 में 8.8 का है। टॉप ब्रोकर रिव्यू के मामले में देखें तो 10 में 8.9 का है। ओवरऑल रेटिंग की यदि हम बात करें तो 10 में 8.4 की है, और स्टार रेटिंग इसकी आप देख रहे हैं 4 स्टार का है, और ओवरऑल पूरी रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। ये थी पूरी डिटेल्स SBI कार्ड के रिगार्डिंग, और पूरी डिटेल्स देखने के बाद में यदि आपको लग रहा है कि SBI कार्ड का IPO बाई करने चाहिए, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। और यदि आपके पास डीमैट अकाउंट है तो नॉर्मली आप IPO बाई कीजिए, और यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक पे क्लिक कीजिए और डीमैट अकाउंट खुलवाइए, और रेडी रहिए जैसे ही IPO आता है बाई करने के लिए। और एक अच्छा खासा टाइम भी है अपने पैसे को दोगुना करने के लिए। SBI कार्ड IPO यदि आप बाई करना चाहते हैं तो इसमें कुछ रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन का उपयोग करके अपने अलॉटमेंट को आप सिक्योर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहला जो रिजर्वेशन है, यदि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक भी शेयर है तो आप SBI कार्ड IPO में रिजर्वेशन का उपयोग करके अपने अलॉटमेंट बुक कर सकते हैं। इस रूल के अनुसार से जब SBI कार्ड IPO का अप्लाई डेट होगा सेबी में, उससे पहले आप शेयर बाई किए होंगे तभी आपको SBI कार्ड में IPO मिलेंगे। और दूसरा जो रिजर्वेशन है वो SBI के एम्प्लॉई को मिलता है। यदि SBI के एम्प्लॉई आप हैं तो आपको SBI कार्ड में कुछ रिजर्वेशन मिलते हैं। आप लगभग 5 लाख तक के रिजर्वेशन का उपयोग कर सकते हैं इसके IPO में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपकी कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कीजिए। आपकी क्यूरीज का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।